नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। हम हर बार एक विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण लेकर आते हैं और वहां के प्रत्याशी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस बार उस विधानसभा सीट की बात करेंगे जहां पर पार्टी की जीत का चेहरा उसके प्रत्याशी की जीत के चेहरे पर निर्भर करता है। कहा यह भी जाता है कि जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। आज हम बात कर रहे हैं सिविल लाइंस विधानसभा सीट के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि राजस्थान में 25 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। वैसे ही यहाँ का भी उसी चुनाव के पैटर्न पर प्रत्याशी चुनकर जनता लेकर आती है, हर बार अलग सरकार का। इस बार सिविल लाइंस विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर आलाकमान को भी पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के दम पर इस बार फिर उनको हाईकमान ने मौका दिया है और वही बीजेपी ने पत्रकार गोपाल शर्मा पर अपना दाव खेला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण की, तो सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,40,066 मतदाता हैं। सिविल लाइंस ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम, राजपूत, माली, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति भी चुनावी समीकरण बदल सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मतदान का प्रतिशत 60.35 रहा था। इस सीट पर पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे अन्य राज्यों के लोग भी वोटर्स के रूप में रजिस्टर हैं। 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री अरुण चतुर्वेदी को हराकर इस सीट पर फिर से कांग्रेस का परचम लहराया था। 2018 में सिविल लाइंस में कुल 54% वोट पड़े। 2018 में प्रताप सिंह खाचरियावास ने अरुण चतुर्वेदी को 18 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब बात करते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास की, तो उनका राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। 2008 में विधायक बनने के बाद 2018 में फिर विधायक चुने गए थे। इसके अलावा 2015 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बने थे। उसके अलावा जयपुर कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। वो गहलोत सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। सबसे खास बात ये है कि प्रताप सिंह पहले वसुंधरा खेमे में रह चुके हैं और 2004 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। अब बात करें वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा के बारे में, तो 90 के दशक से वो लगातार जनता के बीच अपने सक्रियता दिखाते आए हैं। पत्रकार गोपाल शर्मा पंडित नवल किशोर शर्मा से लेकर भैरव सिंह शेखावत के बेहद करीबी रहे हैं। अब अगर बात करें यहाँ की समस्याओं की, तो इस सीट पर ट्रैफिक जाम, पीने के पानी के साथ साथ अच्छी सड़क बहुत बड़ी समस्या है। सरकार कोई भी आए लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहती। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी एक और विधानसभा सीट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।